वेरी गुड वेरी गुड स्माइल स्माइल अरे ये कोई लेट नहीं हुआ हमारे, ये देखिए जब पहले ये आया तो जो फ्रंट लेवल वर्कर्स थे, जो हेल्थ केयर वर्कर्स थे उनको लगा, उसके बाद हमने स्टार्ट किया जो एल्डरलीज का था, उसके बाद आपने देखा 15+15 to 18, अब हमने ये किया 12 onwards, और आज हमने यहाँ पे इनॉग्रेट किया। हमारे साथ एडिशनल डिविजनल कमिश्नर साहब है, मैं हूँ, और वहाँ हमें जम्मू में भी एडवाइज़र साहब ये कर रहे हैं, थ्रू आउट कंट्री हो रहा है और अच्छा रेस्पॉन्स आ रहा है। लास्ट टाइम जैसे पहले लास्ट ईयर जो हमने देखा था, जो हिजिटेंस थी, जो वैक्सीन के खिलाफ कोई रिमोर्स फैला रहे थे, वो आप लोगों की वजह से ही लोगों में वो रिमोर्स दूर हो गई, वो जो उनके डाउट थे, जो उनके शक्स थे, शुबुआत थे, वो सारे दूर हो गए। आज खुद बच्चे आ रहे हैं और वैक्सीन करा रहे हैं। और हमारा टारगेट है 3,36,000 फॉर कश्मीर डिवीजन, और हमने हर एक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे, इवन सब सेंटर्स पे भी वैक्सीन रेडी रखा है। इसके दो डोज लेने हैं, एक आज लेंगे और दूसरा डोज जो लेना है 28 डेज के बाद। कॉर्बेवैक्सीन जो है, हम दो डोज विदिन अ गैप ऑफ 28 डेज। सर, ममालिक में अभी फिर से एक बार कोविड की वजह से लॉकडाउन करने पड़ रहे हैं, तो क्या कश्मीर? नहीं नहीं, हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी बच्चे हैं, और आपने देखा कि सेकंड वेव थर्ड वेव में कैसा हमारी गवर्नमेंट ने, यूटी गवर्नमेंट ने कैसा अच्छा काम किया। हम सब लोगों ने मिल के, डिविजनल एडमिनिस्ट्रेशन, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स, पैरामेडिकल्स, आप लोग, हम सभी लोगों ने दोनों वेव को हरा दिया, और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि और ना आए। करनी है SOPs का ध्यान रखना है, सैनिटाइजर्स रखनी है, हैंड हाइजीन का ख्याल रखना है, और जो ये वैक्सीनेशन ज़रूर, इससे प्रोटेक्शन मिलता है। और मेरी यही गुजारिश रहेगी हर एक पेरेंट से कि वो अपने बच्चों को लाए और वैक्सीन कराए। थैंक यू।